अगर आप यहाँ से ओनली सेल एक अकेला सिलेक्ट है और राइट क्लिक करोगे और फिर इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ऑप्शन देगा, लेकिन आप मेनली रो ही इंसर्ट कराना चाहते हो या कॉलम ही इंसर्ट कराना चाहते हो, आप क्या करोगे, रो सिलेक्ट करोगे। कितनी रो सिलेक्ट करनी है हमें, दो रो सिलेक्ट करनी है और दो ही रो, मतलब दो ही रो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दो रो सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे। वो नहीं पूछेगा आपसे कि आपको रो इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है, क्योंकि आपने पहले से ही सिलेक्ट कर रखी है कि हमें रो चाहिए। तो आया समझ में, इसी तरह से हमें ये दो रो क्या करनी है, डिलीट करनी है। ये वाली जो नीचे बीच में ली थी इनको डिलीट करना है। सिलेक्ट करोगे, ठीक है, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है डिलीट का, डिलीट पर क्लिक कर दोगे, वो जो रो अपन ने इंसर्ट की थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। इस तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से हमें क्या करना है, दो कॉलम और इंसर्ट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे। देखिए माउस पॉइंटर चेंज हो गया, ये रहता है कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, तो हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, हमें दो कॉलम इंसर्ट करने हैं इसलिए हमने दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, देखिए दो कॉलम इंसर्ट हो गए। और इसी तरह से आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद अगर आपने इस तरह से सेलेक्ट नहीं किया, ओनली एक सेल सेलेक्ट है, तो और आप राइट क्लिक करके इंसर्ट पर या डिलीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डायलॉग बॉक्स देगा। इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है, सेल्स जो है इंसर्ट करनी है। अगर आप इसमें रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। रो करनी है तो आप एंटायर रो पर क्लिक करोगे, कितनी रो इंसर्ट होंगी, एक, ठीक है। और एंटायर कॉलम पर क्लिक करेंगे तो कितने कॉलम इंसर्ट होंगे, एक, एक ही, क्योंकि यहाँ पर एक सेल सिलेक्ट है। अगर दो सेल सिलेक्ट होते हैं ऐसे में, दो कॉलम सिलेक्ट होते तो दो इंसर्ट होते, ठीक है। अब अगर आप शिफ्ट सेल्स डाउन कर दोगे तो क्या होगा, ये जो सेल है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा और एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा। और अगर शिफ्ट सेल राइट कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा और ये वाला जो सेल है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है आप राइट क्लिक करके इंसर्ट करो और डिलीट करो, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट है, ठीक है। इसके बाद अगला है फॉर्मेट। इससे पहले अपन पढ़ते हैं सीट वाले ऑप्शन। अगर जैसे कि आपको कोई सीट डिलीट करनी है तो आप राइट क्लिक करके तो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी सीट डिलीट करनी है उसके लिए आप सीट के ऊपर ही राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है एक इंसर्ट का, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से देगा, बर्क सीट इंसर्ट करना है, चार्ट इंसर्ट करना है, यहाँ से अपन को नहीं करना, कैंसिल कर देते हैं। राइट क्लिक करके आप डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सीट डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर आपको कोई सीट को जो है रीनेम करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आता है रीनेम का। जैसे कि हमने इसके अंदर बनाई है, क्या बनाई है, मार्कशीट बनाई है या सैलरी लिस्ट बनाई है या फिर फीस स्लिप बनाई है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आता है रीनेम का ऑप्शन, रीनेम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए इस तरह से सीट सिलेक्ट हो गई, इसमें कर्जर ब्लिंक करने लगा। जहां पर भी कर्सर ब्लिंक करता है इसका मतलब ये रहता है कि उसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि हमारी ये मार्क सीट है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं मार्क सीट। इससे आपको क्या होगा कि अलग अलग आपको फाइल नहीं लेनी पड़ेगी, आप एक ही फाइल के अंदर, एक ही वर्क बुक के अंदर बहुत सारी फाइल्स बना सकते हो। जैसे कि हमने इस सीट के अंदर क्या बनाई है, मार्क सीट। अब देखिए आप सीट 3 खाली है, हम इसके अंदर और कुछ बना सकते हैं, और कोई सा डाटा हमारा रख सकते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे एक और सीट हमारे सामने इंसर्ट हो जाएगी, इस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन आगे और भी ऑप्शंस हैं इसमें वो पढ़ेंगे, पहले अपन ये वाले ऑप्शंस पढ़ते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन पर जा रहे हैं, ठीक है। इसके साइड में ड्रॉप डाउन एरो, इस पर क्लिक कर रहे हैं, ऑप्शन आ रहा है रो हाइट। रो हाइट पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो नॉर्मल हाइट रहती है, रो की जो नॉर्मल हाइट रहती है वो यहाँ पर बता रहा है 15। अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आप क्या करो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया 25 और ओके कर दिया, तो देखिए रो की हाइट बढ़ गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप एक मिनट, अगला ऑप्शन है यहाँ पर रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट। रो हाइट आप कैसे भी बढ़ा सकते हो, ये क्या होती है, हाइट होती है। साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाओगे, जितनी बड़ी आपको इसकी हाइट करनी है कर सकते हो आप। अब आपको चेक करनी है इसकी हाइट कितनी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट पर जाओगे, रो हाइट पर क्लिक करो, इसकी हाइट है 48। अब आपको डिफॉल्ट पता नहीं है, हमें नॉर्मल करना है इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर फॉर्मेट पर जाओगे, यहाँ से ऑटो फिट रो हाइट पर क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिक वो
एडजस्ट हो जाएगी। और दूसरा तरीका रहता है कि जब भी आप कोई रो या कॉलम की हाइट बढ़ा देते हो और आपका उसमें डाटा है कम, तो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर जब भी आप डबल क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक जितना भी आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग वो फिट हो जाती है। कैसे, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, जहाँ जिस जिस ये जो पॉइंटर बन रहा है ना आपका माउस पॉइंटर, आप देखिए कैसा बन रहा है, इससे अपन क्या करते हैं हाइट बढ़ा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर भी बता रहा है 70.25 बता रहा है, और आपको बढ़ाना है तो वहां पर हाइट बता रहा है ये 24 हो गई है, और बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, नॉर्मल करना। तो एक तो तरीका, आप यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पर, ऑटो फिट पर क्लिक कर देंगे, या फिर आप यहाँ पर साइड में इस पर क्लिक करके साइड में डबल क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कॉलम की हाइट विड्थ बढ़ानी है तो आप साइड में माउस पॉइंटर देखिए, यहाँ से माउस पॉइंटर कैसा बन रहा है, एरो टाइप का बन रहा है, इसका मतलब है कि आप इस रो को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक से ज्यादा रो सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, एक को सिलेक्ट करोगे, क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे तो एक से ज्यादा रो सिलेक्ट होगी, सॉरी कॉलम सिलेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से आप रो भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक करोगे और ड्रैग कर दोगे नीचे की साइड, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद हमें इसकी हाइट पता लगानी है कितनी है, विड्थ पता लगानी है। फॉर्मेट पर जाएंगे, कॉलम विड्थ पर जाएंगे, इसकी है 8.43, आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है 15 और ओके कर दिया, देखिए बढ़ गई। और दूसरा तरीका, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, माउस पॉइंटर चेंज हो गया, ठीक है, इस पर क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हैं, देखिए बढ़ गई हाइट, ठीक है। और दूसरा तरीका यहाँ पर है, फॉर्मेट पर जा रहा है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम के अंदर जितना डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाता है। अपने इसके अंदर क्या है, सिर्फ ओनली इतना ही लिखा हुआ, एडजस्ट हो गए। जैसे कि अपन देते हैं सीरियल नंबर देते हैं, हमने यहाँ पर लिखा SN, ठीक है, सीरियल नंबर कितने होते हैं, बस अपन 1, 2, 3 इस तरह से लिखते हैं, और इसमें क्या हो रहा है, जगह बहुत ज्यादा जा रही है, अपन को उतनी जगह की जरूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करो, फॉर्मेट पर जाकर आप यहाँ से ऑटो फिट पर क्लिक कर देंगे तो देखिए उसके अकॉर्डिंग उसने फिट कर लिया। फिर भी अगर आपको बड़ी छोटी करनी है तो आप क्या करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर यहाँ से भी कर सकते हैं, ये क्या है, शॉर्टकट है। मेन ऑप्शन कहाँ मिलता है आपको, सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, देखिए विड्थ बढ़ रही है, और अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर इसके जो जहां से अपन इसकी विड्थ बढ़ाते हैं वहीं पर आप डबल क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक जितना आपका डाटा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर है इतना, इतने में कुछ डाउट है किसी को। इसके बाद अगला है फॉर्मेट, यहाँ पर आ रहा है डिफॉल्ट विड्थ। आप चाहते हैं कि जब भी आप यहाँ पर कोई भी कॉलम ले उसकी डिफॉल्ट मतलब हमेशा विड्थ क्या आना चाहिए, हमने यहाँ से जैसे लिख दिया यहाँ पर 10, ठीक है, ओके कर दिया, तो जब भी आप कोई भी न्यू कॉलम लेंगे या कुछ भी तो डिफॉल्ट में हमेशा क्या सेव रहेगी, 10। बताया था डिफॉल्ट क्या होता है, जो पहले से मतलब हमेशा, आप बाद में उसको चेंज तो कर सकते हो लेकिन जब आप ओपन करते हो तो डिफॉल्ट में क्या रहती है, वही चीज आपको मिलती है। जैसे कि जब भी अपन यहाँ पर आते हैं तो अपन को क्या कैलिबरी मिलती है, यहाँ पर साइज क्या रहता है, 11। आप बाद में बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, लेकिन क्लोज कर दोगे वापिस ओपन करोगे तो कितना मिलेगा, 11। तो ये क्या है, डिफॉल्ट में पहले से सेव है। इसी तरह से आप चाहते हो कि डिफॉल्ट जो साइज है वो क्या होना चाहिए, जो भी आप रखना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफॉल्ट साइज दे सकते हो, तो हमेशा फिर वही साइज का कॉलम आपके पास आया करे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। इस ऑप्शन पर जाकर आप आपकी कुछ रोज और कॉलम्स को हाइड कर सकते हैं, जैसे कि अभी अपन इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, इसको अपन डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है और हमारे पास देखिए ये दो रो है, इनमें हमने कोई भी डाटा नहीं लिखा है। हम क्या चाहते हैं कि रो नंबर 2 से लेकर 8 तक का डाटा हमें हाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे 8 तक, ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड एंड अनहाइड पर जाएंगे, आपको क्या करनी है, रो हाइड करनी है, तो हमने क्या किया, हाइड रोज पर क्लिक कर दिया, देखिए हाइड हो गई रोज, ठीक है। अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 9 दिखाई दे रहा है। अब ये सिर्फ ये चीज सिर्फ क्या है, आपको पता है कि आपने यहाँ से क्या किया, रो को हाइड कर दिया। अब आपको वापस से शो करना है तो आपको पहले वही जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी, मतलब बीच से आगे पीछे थोड़ी बहुत ज्यादा या कम जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप जाएंगे फॉर्मेट में, अरे डिलीट ही हो गया,
कंट्रोल जेड कर दिया हमने, ठीक है। फॉर्मेट में जाएंगे, आप यहाँ से जाएंगे हाइड एंड अनहाइड में, ठीक है। अब हमने क्या हाइड किया था, रो हाइड, अनहाइड वाला ऑप्शन आपको नीचे दिखेगा, आप अनहाइड रोज पर क्लिक कर देंगे, तो जितनी भी रोज आपने हाइड की थी वो सभी क्या हो जाएंगी, अनहाइड हो जाएंगी। आप ऐसा किसी को आप दिखाना नहीं चाहते वो रोज।